शालोम, परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए प्रियंका सलोमी चैनल आपका स्वागत करता है, जिसमें आपको बाइबल से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज का वचन अध्ययन है प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय एक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए और उनसे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनती हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानती हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया के साथ कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातु कलिशाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सर्दीस और फिलदिफिया और लौदिकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश से एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए था और उसके मुख से तीज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सात सोने की दीवटों का भेद। वे सात तारे सात कलिशातों कलिशियाओं के दूत हैं और वे सात दीवट सात कलिशियाएं हैं। अध्याय दो, इफिसुस का संदेश। इफिसुस की कलिशिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है
और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हूँ वह सुन ले कि आत्मा कलिशियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। स्मुर्ना का को संदेश। स्मुर्ना की कलिशिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरी कलिश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हूँ वह सुन ले कि आत्मा कलिशाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। पिरगमुन को संदेश। पिरगमुन की कलिशिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दूधारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसी हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानती हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलिशियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले की शिवाय और कोई ना जानेगा। थुआतीरा का संदेश। थुआतीरा की कलिशिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री
इजीबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलिशाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, या कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूँगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलिशाओं से क्या कहता है। अध्याय 3, सरदीस का संदेश। सरदीस की कलिशिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए और वे स्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार स्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलिशियाओं से क्या कहता है। फिलदिल्फिया को संदेश। फिलदिल्फिया की कलिशिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर
तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊँगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू कै अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सर गरम हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 4। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में से एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशव और मणिक्षा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की सात आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं,
जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणी के छः छः पंख हैं और चारों ओर से और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। अध्याय 5। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में से एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींगे और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अध्याय 6।
फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की तो देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तब मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना आ। मैंने दृष्टि की कि देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सिर भर गेहूँ और दीनार का 3 सिर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना खोले। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। अध्याय 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने
परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मुहर दी गई, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, समौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबुलून के गोत्र में से 12,000 पर, यशुव के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करती हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासी ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अध्याय 8। जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें सात तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओलो और वह आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी एक तिहाई जल गई
और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर गए और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा और वैसे रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अध्याय 9। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाकुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाकुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिर पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिल्लम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलोयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी।
मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल्ल में आग और धूम्रकांत और गंधक सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी। इसलिए उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती थी, और जो खून और टोनहा और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। अध्याय 10। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिन स्वर्गदूतों को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीविता है और जिसने स्वर्ग को और जो उस कुछ उसमें है, और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर होगी, अब तो और देर ना होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह से मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अध्याय 11। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं।
यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि दोनों भविष्यताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 1/10 भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। 12 फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे, और उसके शिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह
स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग से लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीश और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे भाइयों के सामने उन पर दोष लगाया करता था जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़ी क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने के लिए स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अध्याय 13। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया और उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज
और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह ची गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अध्याय 14। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, एक मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, वही वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं जो जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेती हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्ग दूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसकी क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करती हैं और जो उसके नाम की छाप लेती हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखती हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरती हैं
वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेती हैं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काटे, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अध्याय 15। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा और 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीविता है कि प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। अध्याय 16। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू के जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया
और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उनेल दिया और उसे मनुष्यों की आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उनेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उनेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट को मदिराओं से पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अध्याय 17। जिन सात स्वर्गदूतों के पास वे सात कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके सात सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मड़ियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद। बड़ा बेबी लोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है,
और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि उस पहले था और अब नहीं है और फिर आ गया, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, वो वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और 1 अभी है और 1 अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था वह अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7ों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब 1 मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक 1 मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। अध्याय 18। इसके बाद मैंने 1 स्वर्गदूत को जो स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से 1 और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुणा बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुणा भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण 1 ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी की राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे भी बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़ी नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय,
घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरी मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते वे कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनता था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाती हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय और उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वाले और गायकों और बंसी बजाने वाले और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा और किसी ऊधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टूने से सब जातियां भरमाई गई थीं। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। अध्याय 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं
जो मम्मी के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक स्वेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आँखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसका लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना स्वेद घोड़ों पर सवार और स्वेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चुखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उन्हें वालों सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अध्याय 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसके छाप उसके माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमाकर
लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। अध्याय 21। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आँसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिश होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती हैं। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात अंतिम विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझसे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों के पर 12 स्वर्गदूत थे और वे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई
और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिक की, सातवीं पीतम्बरी की, आठवीं पीरोस की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसनिये की और ग्यारहवीं धूम्रकांत की और बारहवीं याकूत की थी। बारहों फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उस में कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उनका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद की उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमने उनका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अध्याय 22। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले की आवश्यकता ना होगी क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई बंधु भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है और अन्याय करता है जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों के से होकर नगर में प्रवेश करेंगे और कुत्ते और टूनहे और वे विचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलिशियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वह आए
और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको प्रकाशित वाक्य के द्वारा बहुत ही आशीष देंगे क्योंकि ये बहुत आशीषित पुस्तक है। जय मसीह की।